हाँ भाई साहब, आप यहाँ से और विजयनगर तक कितना लोगे? हाँ वो मिक्सर को रहने दो ना, पहले मेरी बात सुनो ना। बताओ कितना लोगे? 150 रुपया। 150 रुपये? एक मिनट, JK02DV9152। 150 रुपये यार वहाँ तक? नहीं बात तो सुनो ना यार, जा कहाँ रहे हो? ओ भाई सब बिहारी है, किया जाए 370 टूटने का जितना बोझ पड़ा है जम्मू में, हाँ। इतना इन केस कश्मीर में नहीं पड़ा, नहीं पड़ा इतना। कश्मीर वाले अपना काम निकालते हैं, बाद में दो चार मारते हैं तो ये भाग जाते हैं। नहीं इनके साथ होना भी चाहिए, कश्मीर में जाएं इनको मारें, हाँ। उधर मरें, हाँ। तब इनको पता चलता है ये जम्मू में तो गन डाल के रखा है। सब बिहारी है, पता चल गया इनका। हाँ देखो ई रिक्शा 10 रुपए सवारी है, 150 रुपए मांग रहा है। हाँ 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 आगे आप बताओ। नहीं इससे ये तो पहले ही वाली हालत हो गई ना, जो पहले लेते थे पहले, जो पेट्रोल जला के लेते थे किराया, वो तो पेट्रोल, हाँ उनका तो पेट्रोल जलता था। अच्छा इतना खर्चा थोड़ी आता है जितना ये कर रहे हैं, बिल्कुल जितना ये ले रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को। आपके सामने हुआ ना ये वारदात जो मेरे सामने हुआ, 150 रुपया मांगा उसने। हाँ 150 रुपए, और यहाँ जीवल चौक में है ना अभी हम। हाँ जीवल चौक, जीवल चौक मैंने कहाँ बोला था उसको जाने के लिए? गुजरनगर। हाँ गुजरनगर ऑटो स्टैंड। हम 80 रुपए लेते हैं, 70 भी ले लेते हैं, 50 भी ले लेते हैं, वो 150 रुपया मांग रहे हैं। आप पेट्रोल चलाते हैं? हम पेट्रोल चलाते। अच्छा आप पेट्रोल जला के यहाँ से गुजरनगर 70 रुपए लोगे? हाँ 70 रुपए। और वहीं ई रिक्शा वाला क्या बोल रहा था? 150 रुपए। बैटरी वाले ऑटो वाले ये एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। ये आए कहाँ से? क्या पता, ये तो लोकल है, लोकल कम है, लोकल कोई 10% है, बाकी सब यूपी बिहार के हैं, सब 90% वो इधर, सब इधर पे सब लूट रहे हैं जम्मू वालों को। कौन लूट रहा है? बिहारी है, बिहारी है, हरियाणी है। अच्छा बिहार वाले, हरियाणी वाले ये जम्मू को लूट रहे हैं, यूपी बिहार वाले। 370 टूटने का जितना बोझ पड़ा है जम्मू में, हाँ। इतना इन केस कश्मीर में नहीं पड़ा, नहीं पड़ा इतना। कश्मीर वाले अपना काम निकालते हैं, बाद में दो चार मारते हैं तो ये भाग जाते हैं। नहीं इनके साथ होना भी चाहिए, कश्मीर में जाएं इनको मारें, हाँ। उधर मरें, हाँ। तब इनको पता चलता है ये जम्मू में तो गन डाल के रखा है। तो इसलिए लूटे ना, क्योंकि जम्मू वाले हम प्यार से नशा बहुत दोस्ती की तरह। एक तो इन्होंने 90% सबसे पहले चीटे वाले हैं, चीटे वाले 90% 90% चीटे वाले हैं बोलो। और नहीं नहीं 90% दो चार जो जम्मू वाले चला रहे हैं वो कोई चीटे वाले नहीं है। देखो 90% चीटे वाले हैं और चिट्टा बेचते भी हैं। हाँ। भाई साहब मैं रेलवे स्टेशन में भी इनके पास से सिरिंजे निकली जो जिससे इंजेक्शन लगाते हैं, वो है सामान सब कुछ निकला, ई रिक्शा वालों से निकला था। यही तो चलाते हैं, यही तो लाते हैं। ये तो बोल रहा था कि मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक कोई और है, मुझे अपना भी देखना है, मालिक का भी देखना है। मालिक का देखना तो लोगों को लूटो ना। मेरी बात सुनो, जेबें काट रहे हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से। इस टाइम जम्मू में इतना बोझ पड़ चुका है कि मारे जो जम्मू वाले हैं वो भूखे मर रहे हैं। सही बोला, मारे जम्मू वाले भूखे मर रहे हैं। पर बाहर से आके यहाँ कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं। देखो बाहर के लोग जो आए हुए हैं, जम्मू वाला डोगरा, जम्मू वाला कोई भी लगा लो, सरदार लगा लो, मुन्ना लगा लो, जो भी है, सब जो जितने भी हैं, अगर वो रेडी लगाएगा उनकी रेडी बगा देंगे, जो यूपी वाला लगाएगा उनसे पैसे मिलते हैं, उनकी रेडियां लगी हैं रोडों पे। अच्छा पूरा दिन जाम लगाएंगे, उनको कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल रोडों में लगी हुई। देखो आप नहीं तो आप मेरे चलो मेरे साथ में, आपको बताता हूँ। अभी भी देख लो जाके, वो आगे चौक में जाओ, मतलब हमें हमारे घर में, अब क्या बताऊँ हमें हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये यूपी वाले हरियाणा वाले जब से आए हुए हैं, 370 जब से टूटी हुई है, ये जितना बोझ जम्मू में पड़ा हुआ ना, शायद इतना बोझ कहीं स्टेट में नहीं पड़ा होगा। मतलब ई रिक्शा वालों से आपकी रोजगार पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा। हाँ, और ऐसा है कि इसमें अगर आप ऐसा करो, रोज डेली आ जाया करो, छोड़ो आप डेली आ जाया करो, रेडी वाले को देखो, ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है ये क्या, ये तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम था ना इनको। नहीं, ये क्या है, उनको नोट चल रहा है, उनको नोट चल रहा है, नोट खा रहे हैं ये जेडी। अब ये हाल है, इस चीज की छोड़ो, आप सिटी चौक से लेके पुरानी मंडी जैन बाजार लिंक रोड में जाके देखो कितनी रेडी है, और उनको कोई पुलिस वाला नहीं रोकता, कोई म्युनिसिपलिटी वाला नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता, जाम लगा के बैठे, उनको बोलो रेडी साइड पे करो, कहते क्यों करो, खाने को पड़ते हैं।
ये हालत हो गई है जम्मू की। ये देखो ना, ये जेडीए का कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स मीन्स की ये पार्किंग है, पार्किंग है जेडीए की, पार्किंग। ये आगे ये लोड है दुकाने, पार्किंग आगे लोड है? नहीं नहीं, अलाउड नहीं है। तो फिर ये कैसे लोड है? और जिनकी लोड है उनकी उठा दी है, उनकी भी तोड़ दी है। जिनकी अलाउड है उनको तोड़ रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि जम्मू का डोगरा ये कह रहा है कि जहां एक तरफ से हमारे लिए सरकार को रोजगार के बारे में सोचना चाहिए था, वहीं बाहर से आके यहां यूपी और बिहार हरियाणा से आके जो ई रिक्शा चालक है यहां पे या रेड़ी वाले यहां पे हैं, उनको रोजगार कमाने की सबसे ज्यादा आसानियां जो है वो सरकार दे रही है, मगर ई रिक्शा वाले हाई रेट्स पे यहां लोगों के जेब जो है उनको खंगाला जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है। और जो यहां के लोकल डोगरा जो है जिनके पास पहले ही ऑटो जो थे, जो पेट्रोल पे चलने वाले ऑटो थे, उनका कहीं ना कहीं कारोबार भी ठप हुआ है और वो कम रेट भी ले रहे हैं एज कम्पेयर टू ई रिक्शा। ई रिक्शा वालों के अभी रेट्स भी फिक्स नहीं हुए हैं, मगर कम से कम ई रिक्शा वालों की सरकार से हम भी गुजारिश करते हैं कि सरकार जो है, तू चोर है, ई रिक्शे वाले को कह रहा तू चोर है, वो उनकी दोनों की खुंदक हो रही है, उससे पैसे ज्यादा लिए होंगे। तो इस तरीके की गुंडागर्दी यहाँ जम्मू के अंदर भी अब हो रही है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ ई रिक्शा वाला जा रहा था और किसी के पैसे भी लूट के यहाँ से गया। और बिहार से अगर ये लोग आएंगे, अपना ऑटो नहीं ले रहे हैं, ये अपने मालिक के लिए भी सोच रहे हैं, जो लोग इनको ऑटो खरीद के दे रहे हैं उसके बारे में भी सोच रहे हैं और अपने बारे में भी। तो इट मीन्स टू से ये डबल जो है किराया वो कम लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ई रिक्शा का जिस तरीके से पेट्रोल वाले ऑटो हैं, इसी तरीके से जब उनका जो है आरटीओ ने फिक्स किया हुआ है रेट के कितने किलोमीटर पे आपने कितना किराया लेना है और किलोमीटर के अलावा भी आपने मीटर पे भी चलना है, इसी तरीके से जो ई रिक्शा है जो बैटरी पे चलने वाले ऑटो हैं इनका भी किराया जो है फिक्स होना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में जम्मू में खास करके अगर मैं बात करूं या श्रीनगर में भी 9,000 और 10,000 के आसपास ई रिक्शा अभी जम्मू में है और इसी तरीके से 9,000 से 10,000 के आसपास ई रिक्शा जो है वो श्रीनगर में भी है। तो इनका कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में रेट जो है वो फिक्स होना चाहिए, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं राहत और आसानियां देखने को मिले। फिलहाल आप जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।